Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra, international motivation speaker, leadership consultant, and a CEO coach. आज वापस आया हूँ आपके जीवन में एनर्जी भरने के लिए. कमॉन, क्या करने के लिए? एनर्जी भरने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी की अगर आपको जरूरत है, जीवन में सफलता की सिद्धि चाहिए, तो शिला रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बताया जिसमें छह बातें बताई हैं. ये छह चीजें करिए, जीवन में आपको ऐसे सफलता मिलेगी, सिद्धि की गारंटी है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी. क्या श्लोक बताया? उत्साह निश्चया धैर्या तत् कर्म प्रवर्तना संगत त्यागो सत्तो वृत्ते षड्भिर् भक्तिर् प्रसिद्ध्यति. षड्भिर् षड्भिर् ये छह काम करने हैं, प्रसिद्ध्यति, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सफलता की सिद्धि. कमन, सबको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए. छह बातें हैं. कमन, पहला चीज है उत्साह. उत्साह मैं आपके जीवन में चाहता हूं ये बात को आप पकड़ ले. उत्साह उत्साह उत्साह. लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह इज जस्ट लाइक अ डिफ्लेटेड टायर, यू कांट मूव ऑन अंटिल यू रिप्लेस इट. उत्साह जिसके अंदर होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके शरीर में ना ताकत होती है, उसका शरीर थोड़ा फैला बड़ा और चल. लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं है वो थोड़ा वो कमजोर दिखाई पड़ेगा, वो थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा दबा हुआ दिखाई पड़ेगा. आपने कुकुर भी देखा है, कुत्ता, जिस कुत्ते में उत्साह नहीं होता उसकी पूंछ नीचे दबी रहती है, वो दबा रहता है. लेकिन जिस कुत्ते में उत्साह होता है वो उछलता है, उसकी आगे के पांव भी ऊपर जाते हैं. ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है. उत्साह जिस व्यक्ति के अंदर है उसके टायर में हवा भरी हुई है, वो चलेगा. लेकिन जिस टायर के अंदर हवा नहीं है वो चल नहीं सकता, क्योंकि वो सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ के पर जान सिकुड़ जाएगा. इसी तरह आप भी सिकुड़ जाएंगे जिस दिन आपके जीवन में उत्साह खत्म हो जाएगा. कम ऑन, ब्रिंग इट फ्रॉम द बॉटम. कम ऑन, अंदर से निकाल के लाओ उस उत्साह को. नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन फ्रॉम विद इन. वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन फ्रॉम विद इन. अगर अंदर आपके आग लग गई ना, अंदर अगर आपकी आग लग गई कोई बुझा नहीं सकता. अंदर की आग आपको लगानी है. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जिस व्यक्ति को वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है ना, उसका उत्साह बहुत बढ़ जाता है, रुकता नहीं है. आपने क्या देखा है? निश्चय धैर्य. इसके बाद बताया निश्चय. निश्चय का मतलब क्या? डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन, वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट. वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन. कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट. छोटी सी इच्छा होती है उससे कुछ नहीं बदलता, अगर आप निर्णय ले लेते हैं तो कुछ बदलने लग जाता है. जिस दिन निश्चय कर लेते हैं उस दिन आप संसार को बदल सकते हैं. इसलिए निश्चय का मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेशन, एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस. डिटर्मिनेशन, उत्साह रहेगा लेकिन अगर उत्साह में डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो लंबा नहीं चलेगा, नीचे गिर जाएगा. और तीसरा है पेशेंस. उत्साह निश्चय या धैर्य. धैर्य का मतलब क्या है? अगर आप में उत्साह भी है, निश्चय भी है, लेकिन अगर आप गिर गए और आप में धैर्य यानी कि पेशेंस नहीं हुआ बाउंस बैक करने का, तो फिर आप गिरे रह जाएंगे. देखिए, ध्यान दीजिएगा. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. मैं इतनी दूर तक आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए. वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. जीवन में जहां भी आप हैं, जहां भी आप हैं, अपने आप को बोलिए, मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए. आई हैव कम दिस फार नॉट टू स्टे दिस फार. वन मोर टाइम, कम ऑन. आई हैव कम दिस फार नॉट टू स्टे दिस फार. आगे जाना है आपको. उत्साह और निश्चय होगा, धैर्य नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे. पेशेंस चाहिए आपको वापस बाउंस बैक करने के लिए. लेकिन मान लो आपके जीवन में डिटर्मिनेशन और पेशेंस हो, उत्साह एनर्जी ना हो, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे. डार्केस्ट नाइट विल प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार. वन मोर टाइम, कम ऑन. डार्केस्ट नाइट विल प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार. ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में देखिए, तारे, सितारे अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं. सितारे अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं. सो इन योर लाइफ फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट बट स्टेइंग डाउन इज योर चॉइस. वन मोर टाइम, कम ऑन. फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट बट स्टेइंग डाउन इज योर चॉइस. गिर गए कोई बात नहीं ना, उठ जाओ, उठ जाओ. कम ऑन, बाउंस बैक. पेशेंस का मतलब यही है, अगर आप में एनर्जी और डिटर्मिनेशन रहा, फेल हो गए, पेशेंस बचा जाएगा आपको. क्या बचा जाएगा? पेशेंस. पहली बार में सफलता नहीं मिलती, किसको मिली? कम ऑन, ब्रिंग इट फ्रॉम द बॉटम. कम ऑन, अंदर से निकाल के लाओ. बाउंस बैक, अंदर से निकाल के लाओ. उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता. तब तक आपको लक्ष्य के पीछे भागना है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, जब पेशेंस की बहुत जरूरत है. चौथा है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्. तत्तत् कर्म, तत्तत्, ये वो कर्म करने हैं जो आपके गोल स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल है. सारे काम नहीं करते हैं कभी भी. दीवार को धक्का मत लगाना, हर काम को करने का कभी फायदा नहीं होगा. ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार लोगों को बताता हूं, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग आते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं, गोल स्टेटमेंट पे मेहनत करनी है, हर जगह मेहनत नहीं करनी है. अनुकूलस्य संकल्पा
प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, एक्सेप्ट द फेवरेबल रिजेक्ट द अनफेवरेबल, वन मोर टाइम, कम ऑन, एक्सेप्ट द फेवरेबल रिजेक्ट द अनफेवरेबल। हर काम नहीं करना, खाली गोल स्टेटमेंट को जो फेवरेबल है वही काम करना है। यू गॉट टू डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज ईजी। यू आर गेटिंग बिजी डूइंग समथिंग व्हिच इज ईजी, डोंट गेट बिजी विद ईजी। कम ऑन, कम ऑन, वन मोर टाइम, डोंट डू व्हाट इज राइट फॉर यू, डोंट डू व्हाट इज ईजी फॉर यू, यू आर बिजी विद ईजी। या कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। आपको चाहिए क्या? वो ही काम करूंगा, सारे काम बंद कर दो, इतना टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा ना, एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी, क्योंकि आप 50 काम छोड़ने वाले हो, अब आज से बहुत सारे काम बंद करने वाले हो। ध्यान दीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है आप सुनने के बाद भी अप्लाई नहीं करेंगे, आदत पुरानी खराब है हर काम करने की। आज से फ्री हो जाओ, हे कम ऑन, क्या हो जाओ? फ्री हो जाओ, उसी काम पे फोकस करो जो गोल स्टेटमेंट पे मदद करे, बाकी काम छोड़ दो, एलिमिनेट कर दो, आउटसोर्स कर दो, इंटीग्रेट कर दो, किसी और को दे दो, सपोर्ट ले लो। आप नहीं करोगे, आपसे बात कर रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, आपको सारे काम नहीं करने हैं, तत्त कर्मा प्रवर्तनात्, वही काम करो जो आपके गोल स्टेटमेंट में आपकी मदद करता हो। बहुत कम चीजें होती हैं जो गोल स्टेटमेंट में मदद करती, बाकी सारी चीजें फालतू की होती हैं, केवल सपोर्टिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग एफर्ट। कम ऑन, सपोर्टिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग एफर्ट गोल स्टेटमेंट को लेकर के, तत्त कर्मा प्रवर्तनात, सारे कर्म कभी नहीं करने हैं। संग त्यागो सतोवृते षड्भिर् भक्तिर् प्रसिद्धि, ये जो प्रकृष्ट रूपेण सिद्धि प्रसिद्धि, ये जो आपको मिलेगी ना, इसके लिए क्या करना है? दो चीजें और रह गई, संग त्यागो सत्वृत्ते, कुछ लोगों को छोड़ना है, कुछ को पकड़ना है। संग त्यागो, असत्संग को छोड़ दो, गलत आदमी को छोड़ दो, नेगेटिव एनर्जी सकिंग वैम्पायर्स, राक्षसी मासुरीम चैव, आपके आसपास कई राक्षस और आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी सकिंग वैम्पायर पायर्स हैं, आज ही छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। जो काम है, संग त्यागो सत्वृत्ते, गलत आदमी को छोड़ो, सही को पकड़ो। एक हम होम टाइम, गलत आदमी को छोड़ो, सही को पकड़ो। संग त्यागो, गलत आदमी का संग छोड़ दो, सत्वृत्ते, सत अव्यक्ति, सत शास्त्रों में बताया गया, जो सही व्यक्ति है उसकी सारी वृत्तियों को फॉलो करें, उसको फॉलो करें, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्य, जिसने अपने आचरण से सिखाया हो, उसके उस व्यक्ति को फॉलो करें। मेंटर ढूंढे अपने सुपर स्पेशलिस्ट, आपकी इंडस्ट्री का एक मेंटर होना बड़ा जरूरी है। मुझे पता है आपकी आदत क्या है, आप वीडियो देखते हैं, फॉलो करते नहीं, अभी लिखिएगा किसको मेंटर बनाने वाले हैं, अभी आपको लिखना है, फाइंड आउट अ पीस ऑफ पेपर, किसको मेंटर अपने जीवन में बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो आपका ब्रेन वॉशिंग हो रही है, हर समय कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग हो रही है, सही व्यक्ति से ब्रेन वॉश करा लो। ये जो गलत लोग है ना, मंथरा शकुनी सब खा जाएंगे आपके साथ में। संग त्यागो सत्वृत्ते, कुछ लोगों को छोड़ना है, कुछ को पकड़ना है। एक पेपर ले लें, एक अभी टेम्पलेट बना लें अपने साथ में, किन तीन लोगों को आज से छोड़ेंगे जो गोल स्टेटमेंट के लिए अनफेवरेबल है, किन तीन लोगों को पकड़ लेंगे जो आपके गोल स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल है, इसी टेम्पलेट में लेकर के आज बना लें और उनके साथ एसोसिएशन ले। हो सकता है वो आपके लिए अवेलेबल ना हो फिजिकली, लेकिन क्या करें, वीडियोज के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से, उनकी बुक्स के माध्यम से आप एसोसिएट कर सकते हैं, और अगर फिजिकली भी मिल सकते हैं तो जरूर करें एसोसिएट। उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीनों मिला के बहुत एनर्जी बनाएंगे, और उसके बाद क्या करना है, फेवरेबल एक्टिविटीज में एनर्जी को लगाना है, सारे काम नहीं करने। इन तीनों एनर्जी को लेकर के शार्प, लेजर शार्प गोल स्टेटमेंट पे एक सारी ताकत के साथ झोंक दो अपने आप को, वन मोर टाइम, सारी ताकत के साथ लेजर शार्प गोल स्टेटमेंट में झोंक दो, सारे काम नहीं करना। आपका कोई ऐसा प्रिय मित्र है जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा और लगातार फेलियर का सामना कर रहा है, उसको ये 6 स्टेप का वीडियो तुरंत दे दीजिएगा। लोगों की मदद करिए ना, कम ऑन, मेरे साथ पार्टनर कर सकते हैं कि आप मेरे इस मिशन के अंदर, हम चाहते हैं भारत को बाउंस बैक करा दें, पूरे देश को बाउंस बैक करा दें। आपको विदेशी किताबें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हमारी ही दी हुई जड़ों को समझ सके, रूट्स बढ़िया हुए, बहुत बढ़िया फ्रूट्स मिलेंगे। ऐसे दोस्तों को ढूंढिए, ऐसे मित्रों को, प्रोफेशनल को ढूंढिए जो असफल महसूस कर रहे हैं, ये 6 स्टेप उनको दे दीजिए, उनको सफलता की सिद्धि मिलेगी, अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, जितने लाइक्स आएंगे मुझे पता लगेगा कि आपको मेरे वीडियो से मदद हो रही है। कमेंट में अभी लिखिए इन 6 में से किन किन को आप आज से प्रैक्टिस करने वाले, मैं इन डैश नए बिहेवियर्स को अपने जीवन में उतारूंगा। इस डैश में आप लिखिए, नीचे आपको लिखना होगा, क्योंकि कुछ चीजें आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, कुछ नहीं करते थे, तो कौन से नए बिहेवियर्स हैं जो आप आज से प्रैक्टिस करने वाले हैं। याद रखिएगा, जब तक आप निश्चय लेकर के एक्शन ना ले इस पे, तब तक आपको जीवन में फायदा नहीं होगा, खाली सुनने का फायदा नहीं होगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेशन, अप्लाई, आपको अप्लाई करना होगा। इन वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया अब कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, ऐसे पावरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।